बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई के लिए उनके बेटे भव्य बिश्नोई का विधायक बनना काफी लकी साबित हुआ है। एक ओर तो कुलदीप बिश्नोई अब राजस्थान चुनाव में मिली जीत के बाद अपना नया सियासी आगाज शुरू करने वाले हैं, तो वहीं दूसरी ओर उनके दोनों बेटे भव्य और चैतन्य बिश्नोई की शादी की शहनाइयां बजने वाली हैं। आपको बता दें, भव्य बिश्नोई की शादी 22 दिसंबर को होगी, जिसके लिए मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो गई है। इस शादी के बाद 3 राज्यों में रिसेप्शन होना है। नई दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में रिसेप्शन होगा और इन तीनों ही जगहों पर होने वाले रिसेप्शन में अलग अलग मेहमान शामिल होंगे। नई दिल्ली में होने वाले रिसेप्शन में केंद्रीय मंत्री और VVIP लोग शामिल होंगे। बता दें, पहला रिसेप्शन राजस्थान के पुष्कर में 24 दिसंबर को होगा, दूसरा रिसेप्शन 26 दिसंबर को आदमपुर में होगा, इसके अलावा तीसरा रिसेप्शन 27 तारीख को नई दिल्ली में होगा। इस शाही शादी में 4 लाख से ज्यादा मेहमानों को न्योता दिया गया है। आपको बता दें, कुलदीप बिश्नोई ने अपने बेटे भव्य बिश्नोई और चैतन्य बिश्नोई की शादी को लेकर 26 दिसंबर को आदमपुर में होने वाले रिसेप्शन में 3 लाख लोगों को कार्ड और पीले चावल देकर न्योता दिया है। कुलदीप बिश्नोई गांव-गांव जाकर न्योता दे रहे हैं। आपको बता दें, कुलदीप बिश्नोई राजस्थान चुनाव से लौटने के बाद ही अपने दोनों बेटों की शादी की तैयारियों में जुट गए हैं। भव्य बिश्नोई की शादी राजस्थान की रहने वाली IAS ऑफिसर परी बिश्नोई के साथ होनी है। परी बिश्नोई साल 2020 बैच की सिक्किम कैडर की IAS ऑफिसर है। परी बिश्नोई जल्द ही अब हरियाणा कैडर में शामिल होने वाली है। तो वही कुलदीप बिश्नोई के दूसरे बेटे क्रिकेटर चैतन्य बिश्नोई की शादी हिमाचल के रहने वाली सृष्टि के साथ होगी। कुलदीप बिश्नोई अपने दोनों बेटों की शादी में पूरे लोकसभा क्षेत्र के लोगों को न्योता दे रहे हैं। इसके लिए उन्होंने सभी 9 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 3 लाख कार्ड छपवाए हैं। बता दें, कुलदीप बिश्नोई अपने बेटों की शादी के जरिए हिसार लोकसभा में अपनी दावेदारी को भी मजबूत कर रहे हैं। वो घर घर जाकर अपने तमाम कार्यकर्ताओं को न्योता दे रहे हैं और पुराने कार्यकर्ताओं को साथ लाकर लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भी भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। आपको बता दें, हिसार लोकसभा से चौधरी भजनलाल की तीनों पीढ़ी चुनाव लड़ चुकी है। चौधरी भजनलाल सांसद यहीं से चुने गए थे, फिर कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई दोनों यहां से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। अब राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने का क्रेडिट भी कुलदीप बिश्नोई को जाने वाला है, क्योंकि बिश्नोई बाहुल्य 27 सीटों पर कुलदीप बिश्नोई ने अपना दारोमदार दिखाया और 22 सीटें बीजेपी की झोली में डाली। साल 2018 में कांग्रेस को 18 सीटें बिश्नोई बाहुल्य क्षेत्र से मिली, लेकिन अब साल 2023 में 22 सीटें बीजेपी के खाते में आई। अब जीत के बाद कुलदीप बिश्नोई को बड़ा सियासी फायदा मिलने की उम्मीद है, लेकिन फिलहाल निगाहें कुलदीप बिश्नोई के दोनों बेटों के इस शाही ब्याह पर टिकी हुई हैं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, राय रखें। साथ ही चौगरदा की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।